सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त थे। वो दोनों हर वक्त साथ में रहते थे। एक दिन वो घूमते घूमते पास वाले जंगल में पहुंच गए। जंगल में घूमते घूमते उन दोनों को एक बड़ा सा भालू दिखा। भालू को देखते ही वो दोनों डर गए। उन्हें डर था कि कहीं वो भालू उन दोनों को खा ना जाए। भालू धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगा। सोनू को पेड़ पर चढ़ना आता था, इसलिए वो एक बड़े से पेड़ की डाली पर चढ़कर छिप गया। मोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने एक तरकीब निकाली। उसे पता था कि कोई भी जानवर मरे हुए इंसान को नहीं खाता, इसलिए वो जमीन पर लेट गया और उसने मरने का नाटक किया। भालू उसके पास आया और सूंघने लगा। उसे लगा कि मोनू मर चुका है, इसलिए वो वहां से चला गया। जैसे ही भालू वहां से दूर चला गया, मोनू उठकर खड़ा हो गया और सोनू पेड़ से नीचे उतर गया। उसने मोनू से पूछा, मोनू मोनू, तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा? मोनू ने बताया, उसने मेरे कान में कहा कि स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। यह कहकर मोनू वहां से चला गया। स्वार्थी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए।